दोस्तों बॉलीवुड के बहुत से ऐसे अभिनेता हैं जो 90 दशक में थे और वो आज भी बड़े पर्दे पर छाए हुए हैं और उनकी फिल्में फैंस को काफी पसंद भी आती हैं। हालांकि उस समय के कुछ हीरो ऐसे भी थे जिन्होंने बड़े पर्दे पर एंट्री तो की लेकिन कुछ ही फिल्मों के बाद वो गायब हो गए। आज बॉलीवुड से गुमनाम सितारे बनकर रह गए हैं। इन्हीं में से एक अभिनेता है कमल सदाना। कमल सदाना नाम है इनका, जिन्होंने फिल्म की थी रंग, अंगारा, बेखुदी, काली टोपी लाल रुमाल। इन सभी फिल्मों में इनकी एक्टिंग को लोगों ने बेहद पसंद किया था। अगर फिल्म बेखुदी की बात कीजिए जिसमें इन्होंने अपना डेब्यू किया था, यह फिल्म आई थी 1992 में। जी हाँ, इस फिल्म में काजोल उनकी हीरोइन थी। ये फिल्म बड़े पर्दे पर फ्लॉप रही थी लेकिन दोनों कलाकारों को इससे अलग जिंदगी जीने का एक अलग हुनर मिल गया था और बता दिया था कि एक्टिंग में दम है। फिल्म की स्टोरी कुछ खास नहीं थी। एक तरफ काजोल को इंडस्ट्री ने हाथों हाथ ले लिया और वो एक आज की बहुत बड़ी एक्ट्रेस मानी जाती है, अजय देवगन की पत्नी है। लेकिन कमल सदानंद जो एक काजोल के साथ इस फिल्म में काम किया था वो पीछे रह गए। उन्होंने बेखुदी के अलावा रंग और प्यार ही प्यार जैसी फिल्मों में अपनी दमदार अभिनय की दम दिखाया लेकिन वो अब मकाम नहीं बन पाया उनके साथ जो उन्हें चाहते। उनकी फिल्मों में सफलता ना पाने का कारण उनकी जिंदगी की घटना भी शामिल होती है। जी हाँ, जिसको सोच सोच कर वो हमेशा से परेशान रहते थे। दरअसल 1990 में कमल के 20वें जन्मदिन पर उनके परिवार में एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई थी जिसने उन्हें जीवन की कभी ना भूलने वाली यादें दे दी थी। इस घटना में कमल के जीवन पर बहुत ही बड़ा असर पड़ गया था। दरअसल 21 अक्टूबर 1990 के दिन कमल अपना 20वां जन्मदिन मना रहे थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके जन्मदिन पर कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। कमल अपने घर पर अपने बर्थडे पार्टी की तैयारी में जुटे हुए थे और अचानक उन्हें गोली चलने की आवाज आई। कमल की माँ सायदा और पिता ब्रिज सदाना के बीच अक्सर झगड़े होते थे। कमल के जन्मदिन के दिन भी ऐसा ही झगड़ा हुआ। गुस्से में ब्रिज सदाना ने कमल की माँ पर गोली चला दी। इतना ही नहीं, उन्होंने बेटी को भी गोली मार दी। दोनों की उसी वक्त मौत हो गई। यानी कि कमल के बर्थडे पर ही उनके पिता ने उनकी माँ और बहन को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। बताते हैं कि उन्होंने कमल पर भी गोली चलाई थी लेकिन वो उनके कान को छूती हुई निकल गई थी। ब्रिज सदाना ने इसके बाद अपने आप को भी शूट कर लिया और यह सब कमल सदाना की आंखों के सामने हुआ था। यह एक झटके में उनका पूरा परिवार खत्म हो गया था। इस हादसे के बाद कमल सदाना पर बहुत गहरा असर हुआ। उन्हें लंबे वक्त एक काउंसलिंग करवानी पड़ी थी। वो इस गम को भूलने की कोशिश करते रहे लेकिन हवा वह हादसा उनकी आंखों के सामने हुआ वो शायद ही कोई भूल सकता है। और कहीं ना कहीं इसका असर उनके कैरियर पर भी पड़ता हुआ चला गया। उन्होंने बॉलीवुड में कुछ फिल्में की लेकिन सफलता नहीं पा सके। ऐसे में धीरे धीरे हिट हीरोज के बीच से वो गायब हो गए। फिल्मों से किनारा कर कमल सदाना ने टीवी की तरफ रुख किया और सीरियल कसम से उन्होंने फिर एक बार टीवी इंडस्ट्री में अपना कदम जमाया। उन्होंने निर्देशन में भी हाथ आजमाया। साल 2007 में उन्होंने एक फिल्म कर्कश बनाई। इसके अलावा उन्होंने 2014 में रोज द टाइगर ऑफ सुंदरबस लिखी और इसका निर्देशन भी किया लेकिन ये फिर फ्लॉप रही। एक तरफ जहां काजोल इंडस्ट्री का आज बड़ा नाम बन चुकी है तो वही कमल बॉलीवुड के सफल हीरो में से वो सफलता नहीं पा पाए जो उन्हें चाहती। जिंदगी का दर्द भी उनके दिल से नहीं हट सका। उन्हें इस बात का भी पता नहीं चला कि आखिर उनके पिता ने ये सब उनके साथ ऐसा कदम क्यों उठाया था। अब कमल सदाना को लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा।